हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीके आर्ट्स एंड क्रिएशन में। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होता है, आप उसको दबा दीजिए। ऐसा करने से मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरी सिलाई की नॉर्मल मशीन है। इस मशीन को हम पैरों से भी चला सकते हैं और इसको मोटर पर भी चला सकते हैं। ये देखिए, इसको हम ये सिलाई की मशीन है, ये मैं आपको करके बताऊंगी। ये देखिए, इससे ये सिलाई भी हो जाती है। ये देखिए, इससे ये सिंपल सिलाई हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी जो आपकी सिलाई मशीन होती है सीविंग मशीन, उसको कढ़ाई की मशीन कैसे बना सकते हैं। देखिए, हम यहां से पेच खोलेंगे। यहां पर एक पेच लगा हुआ है, आप उसको खोल दीजिए ऐसे। और उसके फुट को अलग कर लीजिए। ये देखिए, उसको फुट को अलग करके रख दीजिए। नीचे से ये वाले पेज खोलेंगे, नीचे ये वाले। एक यहां से दोनों पेज हम इस खोलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो पेच लगे हुए हैं दोनों पेच खोल लेंगे। पेच खोल के हम ये प्लेट को अलग कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ नीचे दो पेच लगे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो पेच लगे हुए हैं, आप उनको भी खोल लीजिए। ये देखिए, इसको ऐसे पेज को खोल लीजिए। इनको भी अलग रख दीजिए और इसके ऊपर हम फिर वही प्लेट जो हमने ये प्लेट जो उतारी थी, इसको हम फिर वहां लगा देंगे ऐसे। Thank you.
इन दो पेज को अच्छे से कस लेंगे। कॉटन का धागा भी यूज कर सकते हैं, और उसके लिए हम जो नॉर्मल धागा सिलाई करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। आप इसमें दोनों तरह के धागे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ कढ़ाई के लिए यहाँ पर रेशमी रील यूज करूंगी। इसको यहाँ पर लगाकर बाद ये धागा मैं यहाँ पर डालूंगी। उसके बाद यहाँ टेंशन में धागा ऐसे डालेंगे, ऐसे करके, और इसके बीच में से निकाल के इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसमें धागा डालेंगे। धागा डालेंगे उसके बाद, हम यहाँ नीडल में धागा डालेंगे यहाँ पर। जब हम कढ़ाई करेंगे तो उस ये टेंशन को हम ढीला कर देंगे। ढीला करने से हमारे ये सिल्की धागा वो जो बार बार टूटेगा नहीं, और उससे कढ़ाई भी अच्छे से आएगी। और नीचे का धागा हम ऊपर ले आएंगे ऐसे, ये देखिए नीचे से धागा ऊपर लाकर फिर हम कढ़ाई शुरू करेंगे।